कांवड़ यात्रा को लेकर अपने परिवार के साथ सुल्तानगंज पहुंचे, जहां राजद के पूर्व विधायक सह बिहार सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भोला प्रसाद यादव ने कहा कि देश में सुख शांति और उन्नति के लिए वह प्रत्येक वर्ष सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए देवघर और बासुकीनाथ धाम जाते हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार संस्कृति बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए INDIA महागठबंधन तैयार है और देश की जनता केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए भोला प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शांति सद्भाव के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए विपक्षी महागठबंधन भारी बहुमत से जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। इस दौरान राजद के प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव, विजय यादव समेत कई राजद कार्यकर्ताओं ने भूखे और माला पहनाकर बोर्ड के अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। मौके पर राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ, बाबा देवीनाथ, सब लोगों का पूजन अर्चन हरेक वर्ष करते थे। इस वर्ष भी अनुवर्षों की भाव बाबा दरबार जा रहे हैं और बाबा से मनोकामना करते हैं कि बाबा देश में समृद्धि, सद्भाव, आपसी भाईचारा कायम हो, बिहार तरक्की पर जाए, बिहार आगे बढ़े और सभी लोगों का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ बाबा के दरबार जाने का संकल्प लेते हैं और बाबा के दरबार जा रहे हैं और सभी के कल्याण के साथ साथ हम लोगों का भी कल्याण। भागलपुर शहर में बाइक चोरी की घटना लगातार बढ़ते ही जा रही है। हाल के दिनों में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरों ने दर्जनों बाइक की चोरी कर ली, लेकिन पुलिस बाइक चोरों को पकड़ पाने में नाकाम रही है। जबकि कई बाइक चोरी की घटना CCTV में कैद भी हुई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। ताज़ा मामला मुजहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर शहबाज नगर का है, जहां बाइक चोरों ने घर के समीप खड़े बाइक की चोरी कर ली और यह वारदात घर के पास लगे CCTV में कैद हो गई है। वहीं पीड़ित वाहन मालिक ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस बाइक चोरों का पता लगाने में विफल रही। हालांकि वरीय पुलिस अधीक्षक ने इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए सभी थानेदारों को अपने अपने थाना क्षेत्र में गश्ती तेज करने और बाइक चोरी की घटना पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है, लेकिन बावजूद इसके चोर लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती में दिल दहला देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शिक्षक के द्वारा दो छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ पैर बांधकर छड़ी से जानवरों की तरह उन्हें पीटते देखा जा रहा है। वहीं शिक्षक की पिटाई से मासूम छात्र रोता चिल्लाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद बेरहम शिक्षक को मासूम बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वह मासूम को छड़ी से पीटता रहा। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में बच्चे को पीटता दिख रहे आरोपी शिक्षक का नाम दीपेंद्र वर्णवाल है, जो चिल्ड्रन गार्डन पब्लिक स्कूल का प्रधानाचार्य है, जबकि पूर्व में आरोपी शिक्षक भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुका है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अपर रोड महाजन टोला निवासी युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता के छोटे भाई दीपक कुमार गुप्ता के श्रृंगार की दुकान में बाली गली के सादे कागज में केस उठाने की धमकी वाला पर्चा मिला है। इसको लेकर दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार 2 सितंबर की रात्रि 9 बजे वह दुकान बंद कर घर में सोने चला गया और रविवार की सुबह जब वह गली में सफाई करने पहुंचा तो सफाई के दौरान उसकी नज़र एक सादे कागज पर पड़ी, जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सादे कागज में गली का केस उठाने की बात लिखी हुई थी। दीपक कुमार ने बताया कि गली का केस न्यायालय में चलने के बावजूद विजय कुमार चौधरी के द्वारा पूर्व में ही जबरन गली में टीन का शेड लगा दिया गया। साथ ही कहा कि इस मामले की जानकारी सुल्तानगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी को देने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं इस घटना से परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता, महाजन टोला में मेरा घर है, दुकान भी है एकता सिंगार के नाम से। रात को हमने दुकान 9:15 लगभग बढ़ा करके घर गया। सवेरे दुकान साफ करने के लिए जब 7:30-8 बजे हमने निकला, मैंने शटर के नीचे
कुछ बयान उसमें लिखा हुआ था, गली गली का केस हटाओ नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह किया हुआ है। अब इस पर हमने थाना को खबर कर दिया है, थाना के सभी स्टाफ लोग आकर के यहाँ से देख के गए हैं। क्या लगता है कौन लोग साटा होगा? ये कौन साटा है ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन केस जिससे चल रहा है वो हमारे बगल के पड़ोसी हैं विजय चौधरी, उससे केस चल रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर भागलपुर के शहीद भगत सिंह चौक घंटाघर स्थित साईं भक्त सेवा समिति की ओर से आयोजित किए जाने वाले श्री साईं बाबा पालकी नगर भ्रमण महोत्सव एवं कार्यक्रम को लेकर रविवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर प्रधान व्यवस्थापक दिनेश चंद्र झा ने कहा कि बुधवार को साईं पालकी नगर भ्रमण का आयोजन किया गया है, जो संकट मोचन दरबार से निकलकर घंटाघर कचहरी चौक तिलका मांझी आदमपुर नया बाजार स्टेशन चौक होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर संपन्न होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान साईं दरबार में अभिषेक और आरती की जाएगी, जबकि गुरुवार को साईं का भव्य भंडारा किया जाएगा। मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रदीप यादव, सचिव अरुण कुमार गुप्ता और यातायात प्रभारी सुधीर पांडे समेत संस्था से जुड़े कई लोग मौजूद थे। 8/3/2023 संकट मोचन दरबार साईं मंदिर में एक बैठक रखा गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 6 तारीख को सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हो जाएगा साईं बाबा का, भोला बाबा का। उसके बाद जलाभिषेक होगा साईं बाबा का। जलाभिषेक के बाद दोपहर 1 बजे साईं बाबा का पालकी यात्रा निकलेगा यहां से पूरे शहर के लिए। पालकी यात्रा का रूट होगा घंटाघर संकट मोचन दरबार से कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, कमांड बिल्डिंग, आदमपुर, संकट टॉकीज होते हुए सादा टॉकीज, गौशाला होते हुए कोतवाली चौक, कोतवाली चौक से फिर स्टेशन चौक, वैरायटी चौक पर आके फिर खलीफाबाग से संकट मोचन दरबार में पालकी यात्रा का विश्रामवती मंदिर प्रांगण में आरती का प्रोग्राम रखा गया है रात में। मैं मोहम्मद नूर आलम, मैं दामोदरपुर मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं करीब 5 साल से डायबिटीज का शिकार था, जो मैं डॉक्टर साहब को पता चल बर्दिया आयुर्वेद से इलाज करते हैं और इनका कहना था कि मैं सदा के लिए ठीक कर दूंगा। तो हम लोग नौशाद भाई के माध्यम यहाँ आए, जो हमें काफ़ी लाभ हुआ। 2.5-3 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया और मैं अभी आया हूँ तो सारा चीज़ खाकर, मीट खसी मीट मटन भी खाकर चेक किया है, तो अब मेरा डायबिटीज़ 146 है। अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, हर चीज़ मैं खा रहा हूँ। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ। पहले मैं काम करता था तो बहुत वीकनेस सा महसूस होता था, अब उस तरह का वीकनेस हमको नहीं लगता है। अब बेहिचक हम कोई भी काम कर लेते हैं। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है क्योंकि पास में ही नागर नल है,
मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम की ओर से रविवार को नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में हृदय रोग एवं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रोग से संबंधित रोगों की जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान देश के बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शन कुमार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिल रशीद एवं पियरलेस हॉस्पिटल कोलकाता की टीम ने लोगों की स्वास्थ्य जाँच कर जरूरी परामर्श दिया। वहीं स्वास्थ्य जांच शिविर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ECG की निःशुल्क जांच की गई। इससे पूर्व शिविर की शुरुआत ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया और लायंस इंटरनेशनल के सर्विस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज टंडन, दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष विजय जैन और जोनल चेयरपर्सन प्रज्ञा कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं जांच शिविर में डॉक्टर प्रियदर्शन कुमार ने लोगों को हृदय रोग से बचाव के लिए जरूरी सुझाव देते हुए जागरूक होने की बात कही, जबकि चैम्बर अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया ने सभी लोगों से खान पान को संतुलित करने के साथ चिकित्सकों के द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान देने की बात कही। साथ ही अतिथियों ने लायंस क्लब प्राइम के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्य की भी सराहना की। वहीं इसको लेकर कार्यक्रम के संयोजक सुमित जैन ने बताया कि शिविर में 69 लोगों की जांच की गई। मौके पर काफी संख्या में लायंस क्लब के सदस्य मौजूद थे। बिहार के लखीसराय गांधी मैदान स्थित खेल भवन के प्रांगण में तृतीय राज्य स्तरीय थांगटा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के अलग अलग जिलों से 145 बच्चे शामिल हुए, जिसमें 54 खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला जबकि 54 खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। इसके अलावा 37 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक हासिल किए हैं। इसको लेकर बिहार थांगटा संघ के महासचिव विकास ने सभी स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को श्रीनगर में आयोजित होने वाली 29वीं नेशनल जूनियर थांगटा चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 30 सितंबर को भागलपुर से रवाना होंगे, जबकि सब जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप के पदक विजेता खिलाड़ी रांची में आयोजित होने वाली सब जूनियर्स और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बिहार के 11 जिला के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पटना, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, लखीसराय समेत कई जिले शामिल हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता में भागलपुर को पहला स्थान, पटना को दूसरा स्थान और पूर्वी चंपारण को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी विनोद कुमार, मनोरंजन कुमार, अरविंद कुमार भारती और मुकेश कुमार सिंह समेत खेल से जुड़े कई लोग और खिलाड़ी मौजूद थे। भागलपुर रंगग्राम जन संस्कृति मंच के द्वारा आयोजित होने वाले 10वें भागलपुर रंग महोत्सव 2023 को लेकर रविवार को बुढ़ाना चौक स्थित एक विद्यालय प्रांगण में भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संरक्षक कौशल किशोर ने की। इस दौरान महोत्सव के विभिन्न आयाम पर गहन विचार विमर्श किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से आगामी 4 से 6 नवंबर तक रंग महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जबकि यह महोत्सव अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म एवं राष्ट्रीय एकता को समर्पित होगा। वहीं इसको लेकर रंग महोत्सव के कार्यक्रम निदेशक कपिल देव रंग ने कहा कि भारत सरकार द्वारा विगत 3 वर्ष से रेलवे में कलाकारों को रियायत देना बंद हो जाने के कारण और व्यावसायिक सांस्कृतिक संगठनों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार को पूर्व की तरह कलाकारों एवं खिलाड़ियों को पुनः रेलवे में रियायत दी जानी चाहिए। इस दौरान डॉक्टर जयंत जलत को ऑल इंडिया कौमी तंजीम भागलपुर शाखा की ओर से अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज नगर पंचायत के पहले कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार का तबादला हो गया है। शनिवार को नगर सरकार भवन स्थित सभागार कक्ष में विदाई सा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने नए कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार यादव को कार्यभार सौंपा, जिसके बाद नए कार्यपालक पदाधिकारी ने पदभार ग्रहण किया। वहीं मुख्य अतिथि एवं नगर परिषद के कर्मचारियों ने कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए भावुक होकर विदाई दी। नए कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने एवं शहर के विकास के लिए हर समय तत्पर रहते हुए कार्य करने की बात कही।
मौके पर वीडियो मनोज कुमार मुर्मू समेत नगर परिषद के पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। ये सरकार की जो व्यवस्था, सरकार का जो दिशा निर्देश है, उसमें हम चाहेंगे जितनी अपनी क्षमता है और अनुभव उसका शेयर करें और नगर परिषद सुल्तानगंज को अच्छा रिजल्ट दें, मेरा प्रयास है।